नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे पास इस जो मैं बताने वाला हूं, बहुत पेशेंट आजकल मेरे पास आते हैं। और जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब से मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सर हमें बेटा चाहिए, ऐसी कोई इसकी मेडिसिन बता दो कि दवाई देते ही कि बेटा पैदा हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई फिक्स मेडिसिन है नहीं आज तक भी, चाहे आप एलोपैथिक में हो, चाहे होम्योपैथिक में, चाहे आयुर्वेदिक में या कोई सर्जरी, ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं। लेकिन तब भी बुक में लिखा हुआ है, कुछ मेडिसिन लिखी हुई है कि यदि आप इसको दोगे, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको मैंने मेडिसिन दी है उसको लड़का हुआ है। लेकिन मैं इसमें श्योरिटी नहीं कहता, क्योंकि मैंने जो किताब में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने मेडिसिन दी है, वो लड़का हुआ है। तो उस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप ये मेडिसिन लेना और देखो जो होगा। तो पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपसे क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं और जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, ये सभी के लिए हैं। आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो ही मेडिसिन आती है, और जो ये दो मेडिसिन है वे आपको लेडी को देनी है प्रेगनेंसी होने से पहले, 2 महीने पहले वो स्टार्ट करनी है प्रेगनेंसी होने से 2 महीने पहले, और इसको आप 2 महीने तक खिलाना है। क्योंकि जब फर्टिलाइज हो जाता है, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, उसके बाद ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि लेडी को दी जाए और उसमें ही जो भ्रूण है वो चेंज हो जाए, लड़के लड़की का लड़का हो जाए, ना कोई सर्जरी है और ना ही कोई ऐसा आशीर्वाद है या कोई सन्यासी ने आशीर्वाद दे दिया या उसने पुजारी ने आशीर्वाद दे दिया, महापुरुष ने आशीर्वाद दे दिया गर्भवती को कि वो लड़की है, गर्भ में लड़का होगा। क्योंकि जो लड़की होना या लड़का होना वो इस मेल पर डिपेंड करता है, पुरुष पर डिपेंड करता है, ना कि महिला पर। क्योंकि जिसमें जो मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं XY होते हैं और जो फीमेल के होते हैं XX होते हैं। मैं ज़्यादा डीपली बायोलॉजी में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। यदि आप मैं बताऊँगा ये क्रोमोसोम से यह होगा वो होगा, ऐसा कोई बड़ी डिस्कस हम नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बना रहा हूँ, आपका जो पैसा है कहीं बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो, आप हॉस्पिटल में चक्कर ना काट पड़े। क्योंकि जो आजकल बेटा होने के भी बहुत ने धंधे चालू कर दिए हैं, बहुत जो नीम हकीम है उन्होंने होर्डिंग लगा दिए, सरतिया बेटा पैदा हो जाएगा, या झाड़ फूक वाले आजकल इतने हो गए कि आप इतना पैसा दो बेटा पैदा हो जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नीम हकीम बैठे हैं लड़का पैदा करने ही कोई जड़ी बूटी लेकर, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा आप एक बार ट्राई कर सकते हो, इसमें ये दो मेडिसिन है, दो मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको लड़का चाहिए तो आप ये मेडिसिन एक बार ट्राई करके देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना पैसा है ना किसी के चक्कर में ना, मैं हर वीडियो में एक लाइन जरूर कहता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद मत करें। आप कभी किसी झाड़ फूक के पास जा रहे हैं, किसी हकीम के पास जा रहे हैं, किसी मौलवी के पास जा रहे हैं, मतलब आप ना अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एक, मैं नाम नहीं बता सकता उसके बारे में, वो स्पेशल यही काम करता है, और जिसको लड़की पैदा, देखो लड़का हो गया तो मल्ले बल्ले, यदि लड़की पैदा हो गई तो उसने कहीं ना कहीं कमी बताया था, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, ये क्योंकि स्पेशल मैं भी मिल गया था उससे। तो मैंने देखा है कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, लोगों को ठग रहा है एक तरह से, क्योंकि लड़का हो गया तो मजे आ गए, यदि लड़की हो गई तो उसमें ही नुक्स निकाल दिया, मतलब परिवार वालों में ही नुक्स निकाल दिया, मैंने ये बोला था आपने ये किया, मैंने आपने ये बोला था ये नहीं किया आपने, तो लड़की वालों में नुक्स निकल गया। तो वो इसी से पैसा कमा रहा है, कुछ नहीं उसके पास, कोई उसके पास कोई जादू टोना या कुछ ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ लोगों को ठग रहा है। तो मैं आज वीडियो में सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आप ठगिए मत, आप अपना पैसा बर्बाद मत करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब ऊपर वाले की देन है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, ऐसा नहीं कि लड़के। और हाँ आपको एक बात और बता दूँ, अभी जो मेरे पास पेशेंट आया मैंने उससे ये पूछा, भाई एक बात बता लड़का ही क्यों चाहिए, क्या लड़की हो गई कोई कमी है, कोई बुराई है लड़की होने में? उसने कहा नहीं सर बुराई तो कुछ नहीं है, पर फिर तो तू दवाई क्यों ले रहा है? तो उसने कहा सर यदि लड़की पैदा हो गई तो फिर वो दूसरे घर चली जाएगी। अच्छा फिर सेकंड,
कि जी वो उसका पैसा शादी में खर्च करना पड़ेगा, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। तीसरी कि जी वो दूसरे का वंश पैदा करेगी, हमारा क्या है। तो उसने इतनी बात बता दी मुझे, आगे की बात समझाने लगा कि नहीं जी बस लड़का ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वो एक बात है, लेकिन आपको ये बता दूं, लड़का हो या लड़की हो, ये ऊपर वाले की वह है। आप इसके बारे में कहीं भी धक्के मत खाइए, किसी पुजारी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं धक्के मत खाइए। जाती करे तो मैं आपको ये दो मेडिसिन बताता हूँ, आप एक बार ये ट्राई कर लीजिए। ये होम्योपैथिक दवाई है, ये किताब में लिखी हुई है और ये इसको मैंने ट्राई किया है, तो इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यदि रिजल्ट अच्छे भी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें मेडिसिन नोट कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा फिर वीडियो लंबी बन जाती है, क्या फ़ायदा ज़्यादा वीडियो बनाने का। पहली मेडिसिन आती है इसमें नेटरम्यूर। नेटरम्यूर आपको 4x में ले लो या 6x में, और ये कब लेनी है, मतलब जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो तो 2 महीने तक, प्रेगनेंसी से पहले 2 महीने तक आपको लेडी को ये कंटिन्यू करानी है। और जब प्रेगनेंसी ठहर जाए तब कोई मेडिसिन नहीं देने, क्योंकि एक बार फर्टिलाइज हो जाता है ओवम, उसके बाद कोई सर्जरी कोई दवा कुछ काम नहीं करते। तो पहली मेडिसिन है नेटरम्यूर 4x या 6x। सेकेंड मेडिसिन है साइनोडोन। तो साइनोडोन मदर टिंचर में लेनी है, और इसका क्या करना है, आधा कप पानी लेना है, 15 बूंद डालकर दिन में 3 बार। और जो ये दवाई है लेडी को लेनी है, औरत को महिला को ये दवाई लेनी है, 2 महीने ये दवाई लेनी है, 2 से 3 महीने भी ले सकते हैं यदि आप लेना चाहो। वैसे 2 महीने तो लेनी ही लेनी है, 3 महीने भी आप ले सकते हो। और ये मेडिसिन आप कंटिन्यू करना 2 महीने 3 महीने, उसके बाद जब प्रेगनेंसी ठहर जाएगी उसके बाद ये मेडिसिन नहीं लेनी है। और ऊपर वाला ऐसा नहीं है, मेडिसिन वर्क करती है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर जिसको मैंने ट्राई किया है अब तक क्लिनिक पर, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो आप ये मेडिसिन लीजिए, और यदि रिजल्ट नहीं आता है तब भी प्लीज़ दुखी मत रहना, जो हुआ सही हुआ, बेटी भी बुरी नहीं है, आप उसको भी एक्सेप्ट करो। और बेटी तो बहुत लक्ष्मी होती है, मैं तो बेटी बहुत अच्छी लगती है, तो बेटा हो या बेटी हो और आप उसको एक्सेप्ट करो। और तब भी कोई क्वेश्चन है, यदि आपको दवाई समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप अपना क्वेश्चन है वो मुझे टाइप करके भेज दो। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बीमारी में मुझसे पूछो, यानी कोई बीमारी यदि आपको दिक्कत है कोई परेशानी है उसके बारे में भी टाइप करके मुझे इस व्हाट्सएप जो नंबर है इस पर टाइप करके भेज दो। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने एक ही कसम खाई है कि आपको मैं हॉस्पिटल में या नीम हकीम में कहीं में भी धक्के नहीं खाने दूंगा। तो मैं जो ये चाह रहा हूँ, आप इसमें मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हर जहाँ आप इसको पहुँचाइए, क्योंकि आपके शेयर से तो क्या पता आपको ये इसमें अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर चुका होगा। तो आप उसको पैसा बर्बाद करने से रोकिए, आप इसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फेसबुक पर जहाँ भी आपको आपको पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए, और मेरी जो मेहनत है इसको सफल बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।